रकम दो। तो आज मैं आपको काटरपिलर पॉपकट के बारे में बताऊंगा। इसको ऑपरेट करने के पहले इस पर ये डीजल की टंकी है, डीजल थोड़ा नज़दीक करो, और ये ड्रालक की गेज है, इसमें ग्लास है जैसे, और ये पीछे कवर है, ये खोल के ये इसकी इंजन ऑयल की गेज है, इसका इंजन ऑयल पूरा है, बराबर है, बिल्कुल ठीक है। ये इसको स्टार्ट करने से पहले ये काम ज़रूरी करना है। और ये इसकी वाटर टैंकी है पानी वाली, और ये इसका फिल्टर है, एयर फिल्टर, ये ज़रूरी साफ करना है स्टार्ट करने से पहले। ओके, और ये अंदर ऑपरेट करने का तरीका है, ये सबसे पहले ये सीट बेल्ट है ऊपर, ये डाउन करें, इसको डाउन करें, ये तो ये स्टार्ट हो गई, तो ये स्टार्ट नहीं है, चाबी स्विच है, इसको ऑन करें, इसको ऑन करके बाद में ये स्टार्ट हो गई। अभी ये पी लिखा हुआ है, पार्किंग का बटन है, ये निशान है, इसको इसको दबाएंगे और ये बंद हो जाएगा लाइट, ये लाइट बंद हो जाएगी, तो फिर आप इसको ये इसकी हैंड रेस है और ये पानी की करेंगे तो ये लेफ्ट में जाएगी, और इसको राइट में करेंगे तो ये राइट में जाएगी, और इसको आगे करेंगे आगे जाएगी, और पीछे करेंगे तो ये पीछे जाएगी, और जो लीवर राइट साइड में इसको आप पीछे करेंगे तो पॉकेट ऊपर जाएगी, और नीचे करेंगे तो पॉकेट नीचे जाएगी, और लेफ्ट साइड में करेंगे तो पॉकेट बंद होगी, राइट साइड में करेंगे तो पॉकेट खुल जाएगी। ये इसका तरीका है अंदर ऑपरेट करने का। ये इसका फ्यूल गेज है डीजल का, ये लाइट लाइट का बटन है वाली, ये अंदर की लाइट, ये खराब है, ये इसका फ्यूज बॉक्स है, ये फ्यूज बॉक्स कोई फ्यूज खराब हो तो इधर से चक्कर है, ये नीचे जो है इधर इसको कंप्यूटर लगता है, कोई ख़राबी आ जाए तो इसको कंप्यूटर लगा के चेक कर सकते हैं, और ये इसका अंदर का सिस्टम है, इसे ऐसे ऑपरेट होती है। और आपको अभी इसका लेवल करने के बारे में बताता हूँ, और पॉकेट को फुल मटेरियल भरने के बारे में बताता हूँ।